दोस्तों 2023 में वोटर आईडी कार्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब आपका ये पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड कुछ इस तरह के नए वाले वोटर आईडी कार्ड में बदल गया है। इस नए वाले वोटर आईडी कार्ड में कई सारे सिक्योरिटी फीचर को ऐड किए गए हैं और इसमें आपको होलोग्राम भी दिखता है। ये बिल्कुल दिखने में आपके नए वाले आधार कार्ड के जैसा ही दिखता है। आप चाहें तो इस नए वाले वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन फ्री में ऑर्डर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको इसे ऑर्डर करने का कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर सर्च बार में आएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन, फिर जो सबसे पहला ऐप आएगा इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, फिर डिस्क्लेमर पेज आएगा, आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने कई सारे वोटर सर्विसेज आ जाएंगे और उसका फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी ऑप्शन की मदद से आप अपने वोटर आईडी का रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट वोटर हेल्पलाइन ऐप में पहले से बना हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर देकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे। अगर आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर आपके इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी देंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर देकर लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर से आप वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर से करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे, फिर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है या नहीं। तो मेरे पास है, तो मैं इसे यस सेलेक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर देकर फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड का मैसेज आएगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके वोटर आईडी कार्ड का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, इसे देखकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो नीचे आई एम नॉट एबल टू फर्निश को चेक करेंगे। अगर आधार कार्ड नंबर है तो इसे आपको इसी तरह से अनचेक रहने देना है। फिर आधार कार्ड नंबर देकर नीचे आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देंगे। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप चाहें तो नीचे रिलेटिव का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस लिए भर रहे हैं। तो हमें अपने वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट ऑर्डर करना है, तो नीचे आपको इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन को सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट ऑर्डर क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप लॉस्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको FIR का कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लूड फायर और अदर नेचुरल डिजास्टर। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर डिक्लेरेशन पेज आएगा, प्लेस में अपने गांव या शहर का नाम देंगे, फिर डन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फॉर्म 8 का प्रीव्यू आएगा, अपने डिटेल को यहां से चेक करेंगे, फिर नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आपको एक रेफरेंस आईडी भी दिख जाएगा, इसे आप कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में सेव करके भी रख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब अपने वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट ऑर्डर के स्टेटस को चेक करने के लिए फिर से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करेंगे, नीचे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप उसी रेफरेंस आईडी को पेस्ट करेंगे जिसे अभी आपने कॉपी किया था, फिर सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने स्टेट नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, फिर BLO अपॉइंट होगा, फिर फील्ड वेरीफाइड होगा, फिर आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर डिटेल बिल्कुल सही दिया है तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका नया वाला वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर आ जाएगा, और अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो ये वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर आने में 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।